सिलेंडर व अन्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई को लेकर इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 23 में महिला कांग्रेस ने सड़क पर बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाई और प्रदर्शन किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आम जनता में त्राही त्राही मच गई है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं दाल चावल शक्कर सहित अन्य घरेलू सामग्री और गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का जीना दुश्वार हो गया है। इस दौरान नगर निकाय चुनाव के पार्षद की दावेदारी कर रही विनीता धर्मेंद्र मौर्य ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर शहर महिला कांग्रेस द्वारा परदेसीपुरा स्थित वार्ड क्रमांक 23 में बुधवार को उस वक्त महिलाओं को जन हुजूम लग गया जब महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव नेत्री विनीता मौर्य, शशि आड़ा, सुषमा यादव, पूजा चौकसे सहित बड़ी संख्या में महिला नेत्रियां शामिल रही। इस दौरान महिला कांग्रेस नेत्रियों ने जमकर नारेबाजी की। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंचुरी मार चुका है हमारा डीजल पेट्रोल, तो इस बढ़ी हुई कीमतों को हम नागरिक अफोर्ड नहीं कर सकते। इन कीमतों के साथ हम डीजल पेट्रोल नहीं डाला सकते। हमारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, जिनको धक्का कर हम पेट्रोल पंप तक ले जा रहे थे, जो हमें ले जाने नहीं दिया गया। हम ऐसी कीमतों के रेट अफोर्ड नहीं कर सकते। हम डीजल पेट्रोल डला नहीं सकते। इस बार किराना भर लिया तो हम डीजल पेट्रोल के टैंक नहीं भर पाए, इसलिए हमारी गाड़ी को धक्का के हम मधुमिलन से रिगल चौराहे पे पेट्रोल पंप ले जा रहे थे। पुलिस और ये सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनना चाहती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ पर जो आवाज़ उठाएगा उसको धारा 144 के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से रोक दिया जाएगा। ये एक संकेत था। एक आदमी की गाड़ी में अगर रोड चलते डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या वो थका कर पेट्रोल पंप जाने जा नहीं सकता? क्या यहाँ पे हमने लाखों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी कर ली? हम 5 गाड़ियों को सांकेतिक रूप से डीजल डालाने ले जा रहे थे, यहाँ पे ज़बरदस्ती रोका गया, ज़बरदस्ती चाबी छीन ली गई गाड़ी की और मेरे साथियों के साथ धक्का मुक्की हुई। एक को लट मारा गया और गाली गलौज का प्रयोग किया गया। ऐसा आचरण पुलिस का नाकाबिले बर्दाश्त है। यूथ कांग्रेस का विरोध करती, मुझे लगता है कि इसके आगे क्रम में सिर्फ डीजल पेट्रोल डलाने की वजह से हमें जेल में भी ले जाया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं सामने। तो ये शिवराज और इनकी घबराहट है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। यूथ कांग्रेस के लिए तत्पर लड़े रहेगा। आम नागरिकों के जेब पे पड़ रहा है जो भार है, उस आवाज़ को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारा कर्तव्य है, इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा। मंजूर रमेश खान, इंदौरी युवा कांग्रेस अध्यक्ष। 23 नंबर वार्ड से महंगाई के लिए भी विरोध किया जा रहा है कि जो भी गैस की टंकी वगैरह है, ये जो महंगी हुई है, इस किचन में जो भी किचन की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी महंगाई उस पर असर होगा। अगर टंकी महंगी हो गई तो सभी चीज़ों पर असर जाएगा ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की महंगाई के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लेडीज़ों ने सब किया है इसके लिए, कि इसके विरोध में, कि मोदी सरकार ने जो इतनी महंगाई बढ़ाई है उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं विनीता धर्मेंद्र मौर्य। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में ही महंगाई बढ़ रही है। अभी आपदा से ही निपटी नहीं है जनता, कोविड अभी गया नहीं है पूरी तरह से, उस पर हर वर्ग का व्यक्ति इतना परेशान है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर गैस की टंकी में, विगत 6 महीनों में 676 की टंकी आज 853 रुपये में मिल रही है। और दालों के भाव, तेल के भाव, जो तेल हमें 80 रुपये में मिलता था, 70 रुपये में मिलता था, आज 120 130 रुपये में प्राप्त हो रहा है। दाल 150 से कम नहीं है, 120 से लेकर 150 रुपये प्रति किलो दाल है। उसके विरोध स्वरूप आज हमने चूल्हे पे रोटियां बनाई हैं, दाल चावल बनाए हैं। ये तो एक विरोध प्रदर्शन है कि हम चूल्हे पर जला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश की सरकार की आर्थिक रीति नीति है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है पूरे प्रदेश में, तो ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आने वाले समय में लकड़ियां भी प्राप्त नहीं होगी हमें, और गैस की शायद हम पूजा ही करते रहे, गैस भी प्राप्त ना हो। तो ये विरोध प्रदर्शन है महिलाओं का कि किस तरह से वो अपना किचन मैनेजमेंट करे इस महंगाई में। तो ये सरकार के विरोध में हम इस तरह का प्रदर्शन अब हर जगह किया जाएगा। आज इस वार्ड नंबर 23 से हमारी शुरुआत है। विनीता
जी के और मेरे नेतृत्व में ये प्रदर्शन हमने रखा था। तो आज से यहाँ से शुरुआत है, हर वार्ड में हर जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस, शहर महिला कांग्रेस करें। आपका परिचय? शशि यादव, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर।